कोरापुर जिला कारागार में ठंड को देखते हुए एक नई आशा संगठन द्वारा महिला बंदियों को कंबल सहित अन्य सामग्री वितरण की गई। इसमें दैनिक उपयोग में आने वाली हाइजेनिक कीट, साबुन, तेल, क्रीम एवं ऊनी मोजा आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्था के संस्थापक सीमा छापड़िया द्वारा ओम चैटिंग एवं गुरु वंदना करके की गई। उसके बाद महिला बंदियों में से एक महिला बंदी सुमन ने स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। इसी क्रम में महिला बैरक में चल रहे किड्स प्लांट प्लेवे में स्कूल के बच्चों द्वारा भी एक गीत की प्रस्तुति की गई। एक नई आशा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य अत्यधिक भावमय एवं प्रसन्न हुए। संस्था के अध्यक्ष तन्वी अग्रवाल ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने अपने उद्बोधन में एक नई आशा संस्था द्वारा महिला बैरक में दिए गए सभी सामग्री की अत्यधिक प्रशंसा की एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। विशिष्ट अतिथि जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा कि अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर आप द्वारा महिला बंदियों से मिलना एवं उनके उपयोग की चीज उन तक पहुंचाना सच्ची सेवा है। संस्था के संस्थापक आशीष छापड़िया ने मुख्य अतिथि के स्मृति चिन्ह प्रदान किया। वहीं गैलेंट समूह के श्यामा अग्रवाल जी ने विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर जेल सुप्रिंटेंडेंट दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, डिप्टी जेलर कृष्णा, एक नई आशा के संस्थापक आशीष छापड़िया एवं सीमा छापड़िया, अध्यक्ष तन्वी अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अधिक मानती बसा कर तेरी मूर्ति उतारू तेरी आरती।